सदाई हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान अब्बासी। थाना न्यू सिटी की हदूद में खानगी तनाज़ा पर ससुरालियों की जानिब से दामाद पर हमला, दामाद रिजवान को शदीद जख्मी कर दिया। वाकया में हाई कोर्ट का मुलाजम और एक वकील भी मामूली जख्मी। मीरपुर थाना न्यू सिटी की हदूद में खानगी तनाज़ा पर ससुरालियों की जानिब से दामाद पर हमला, दामाद रिजवान को शदीद जख्मी कर दिया। वाकया में हाई कोर्ट का मुलाजम और एक वकील भी मामूली जख्मी। मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस थाना न्यू सिटी की मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। तफसीलात के मुताबिक थोथाल के रिहायशी मोहम्मद रिजवान ने नई आबादी जनियाल से चंद रोज़ कबल दूसरी शादी की है, जबकि गुज़श्ता रात मोहम्मद रिजवान अपने पहले ससुराल वाके जनियाल में गया। उसके हमरा हाईकोर्ट के मुलाजिम मोहम्मद रियाज और मोहम्मद सरफराज एडवोकेट, जो कि रिजवान के हकीकी रिश्तेदार भी है, साथ थे। ससुराल में बैठे हुए थे कि बातचीत के दौरान तू तकरार शुरू हो गई। इसी दौरान ससुराली रिश्तेदारों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसको शदीद जख्मी कर दिया। लड़ाई झगड़े के दौरान बाऊ मोहम्मद रियाज और सरफराज एडवोकेट को भी ज़दोकोप किया गया। मोहम्मद रिजवान के मुताबिक उन्होंने जान बचाने के लिए वहां से निकलना चाहा तो उन लोगों ने उनकी गाड़ी पर भी हमला करके गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। जख्मी मोहम्मद रिजवान को शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाकया के फौरन बाद मोहम्मद रिजवान के ससुराल वालों ने जनियाल में ही वाके मोहम्मद रिजवान के दूसरे ससुराल में जाकर हमला कर दिया और मोहम्मद रिजवान के दूसरे ससुर राजा फजल रहमान को भी जख्मी कर दिया। पुलिस थाना न्यू सिटी ने राजा फजल रहमान की दरख्वास्त पर मुतअद्दिद अफराद को पर्चे में नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। याद रहे कि हमलावर मुलजमान पर 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं, तमाम अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस थाना न्यू सिटी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है।